रेडियो जैसे कुछ कमाल की स्लो मोशन वीडियोस देखने के लिए। नंबर वन, देखो जब कोई लड़की किसी पानी से भरे बलून को किसी तलवार से कट करती है तो स्लो मोशन में देखने में कितना कमाल का लगता है। नंबर टू, तो आप सभी ने होली में तो पानी से भरे बलून का यूज जरूरी किया होगा, लेकिन देखो जब उसी बलून को किसी बंदे के फेस के ऊपर मारते हैं तो स्लो मोशन में देखने में कितना गजब का लगता है। नंबर थ्री, देखो जब किसी पानी से भरे बलून को किसी लड़की के ऊपर गिराते हैं तो स्लो मोशन में देखने में कितना गजब का लगता है। नंबर फोर, तो आप सभी ने ताश को तो जरूरी खेला होगा, लेकिन देखो जब उसी ताश से किसी पानी से भरे बलून पर अटैक करते हैं तो स्लो मोशन में देखने में कुछ इस तरीके से फूटता है, जो कि फूटते हुए देखने में काफी औसम लगता है। नंबर फाइव, देखो जब किसी पानी से भरे बलून के ऊपर किसी स्प्रिंग से अटैक करते हैं तो स्लो मोशन में देखने में कुछ इस तरीके से फूटता है, जो कि फूटते हुए देखने में काफी कमाल लगता है। नंबर सिक्स, देखो जब किसी पानी से भरे बलून के ऊपर किसी तीर से अटैक करते हैं तो स्लो मोशन में देखने में कितना औसम लगता है। नंबर सेवन, देखो जब किसी बेसबॉल बैट से किसी पानी से भरे बलून पर अटैक करते हैं तो स्लो मोशन में देखने में कुछ इस तरीके से फूटता है, जो कि फूटते हुए देखने में काफी कमाल लगता है। नंबर एट, तो आप सभी ने पानी से भरे बलून को फूटते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन देखो जब वही बलून किसी कटोरी के अंदर गिरता है तो स्लो मोशन में देखने में कितना गजब का लगता है। नंबर नाइन, तो आप सभी ने निंजा हथौड़ी का गैजेट तो जरूरी देखा होगा, लेकिन देखो जब उसी गैजेट से किसी पानी से भरे बलून पर अटैक करते हैं तो स्लो मोशन में देखने में कितना औसम लगता है। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर टेन, देखो जब किसी स्केटबोर्ड पर किसी पानी से भरे बलून को रखकर उसको उछालते हैं तो स्लो मोशन में देखने में कुछ इस तरीके से फूटता है।